hello guys welcome to law siksha today we will discuss about afrae section 159 of indian penal code rioting and unlawful assembly already explained in previous video if you haven't watched yet you should watch it first guys do subscribe the youtube channel and also press the bell icon for more future updates now we will start with section 159 एफरेट इज सेट ये कहता है कि वेन टू देखो टू और मोर देन टू मोर देन टू पर्सन ओके इट इज सेट कि जब दो या दो से ज्यादा मोर देन टू फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस कहां पे पब्लिक प्लेस में क्या करते हैं डिस्टर्ब करते हैं किसको पब्लिक पीस को दे आर सेट टू कमिट एन एफरे तो उनको क्या कहते हैं कि उन्होंने एफरे कर दिया जब दो या दो से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस पे लड़ाई करते हैं और पब्लिक के पीस को खराब करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये उसने एफरे कर दिया मेन एलिमेंट्स अगर बात करें तो व्यक्ति उन्होंने साफ साफ बता दिया दो या दो से ज्यादा होने चाहिए कहां पर लड़ाई होनी चाहिए पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए और होना क्या चाहिए रिजल्ट पब्लिक कि जो पीस है जो शांति है उसको डिस्टर्ब किया उन्होंने ये तो हमें कवर ही कर लिया हमने हमें पता है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए सिंपल सी बात है कि जैसे अनलॉफुल असेंबली में हमने बताया कि पांच या पांच से ज्यादा होने चाहिए कम्युनिट कॉन्स्टिट्यूंसी में दो या दो से ज्यादा होने चाहिए यहाँ पे हमने बता दिया कि आ, दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए यहाँ पे भी ठीक है अब हम बात करेंगे कि फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस अब ये पब्लिक प्लेस कौन सा प्लेस होता है भाई मुझे तो पता नहीं है चलो बताता हूँ मैं आपको भी पब्लिक प्लेस जो है ये वो प्लेस होता है जहाँ पे पब्लिक आमतौर पर जाती है और वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता लेकिन आमतौर पर देखा जाए बेशक उनको ऑब्जेक्शन हो या ना हो अगर वहाँ पे पब्लिक जाती है तो वो पब्लिक प्लेस कंसिडर किया जाता है ठीक है द प्लेस वे आर द पब्लिक कैन गो एज ऑफ राइट मस्ट बी डीम टू वी पब्लिक पब्लिक प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑफेंस इस ऑफेंस के अंडर जहाँ पे पब्लिक के पास राइट है जाने का तो उसको हम पब्लिक प्लेस मानते हैं ठीक है या फिर उनको आदत हो चुकी है वहाँ पे जाने की ठीक है दे वर इन हैबिट टू गो जैसे कि रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है कितनी भीड़ होती है वहाँ पे सिनेमाज में जाते हैं हम थिएटर में कितनी भीड़ होती है जो पब्लिक यूरिनल होते हैं शौचालय कहते हैं जैसे मार्केट हो गए ठीक है पैसेंजर ट्रेन हो गई कितनी भीड़ होती है यहाँ पे हम देखते ही हैं रोज तो यहाँ पे इनको पब्लिक प्लेस कंसिडर किया गया है ठीक है एक पब्लिक गार्डन जो है वो एक पब्लिक प्लेस नहीं होगा कब जब वो बंद होगा ठीक है जब वो खुला है तब तो वहाँ पे उसको हम पब्लिक प्लेस मानेंगे वेन इट इज़ ओपन अगर वो रात के टाइम रात को एक बजे वो पब्लिक प्लेस नहीं है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक नहीं है सीधी सी बात है जहाँ पे पब्लिक होती है वो पब्लिक प्लेस होता है वेदर वो बेशक वो प्राइवेट भी हो लेकिन अगर वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो चुकी है तो वो पब्लिक प्लेस बन जाएगा कोर्ट कहता है कोर्ट हैज़ टू कंसिडर वेदर द प्लेस इज प्लेस इन क्वेश्चन वॉज एट दैट टाइम अ प्लेस वेयर द पब्लिक और देयर नॉट वो कहते हैं कि कोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि इसको कैसे बताऊँ यार कि ये प्लेस जो है ये पब्लिक प्लेस है या नहीं है कोर्ट ऐसे कहता है तो कोर्ट कहता है कि जिस टाइम पे कोई भी प्लेस है जिस टाइम पे वहाँ पे एक पब्लिक इकट्ठी नहीं है तो वो पब्लिक प्लेस नहीं होगा वो प्राइवेट प्लेस हो जाएगा और अगर वो वहाँ पे पब्लिक प्लेस है ठीक है इवन वो प्राइवेट मैरिज बैंकेट हॉल था लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे हो गए हैं पब्लिक इकट्ठी हो गई तो वो पब्लिक प्लेस बन जाएगा एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो हमने अभी बताया कि कितना बिजी रहता है वो पब्लिक प्लेस है लेकिन जब वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है कोई लोग कोई लोग नहीं है वहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है तो वो पब्लिक प्लेस में भी नहीं रहता वो प्राइवेट प्लेस में जाता उस टाइम ठीक है और इस कोश इस सेक्शन की जो ज़रूरत है नेसेसिटी है वो ये कहती है कि पब्लिक प्लेस में होना चाहिए जो इनका एफरे होगा जो इनकी फाइटिंग होगी केस इसलिए क्या है कि अलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन ने एक बार डिसाइड किया कि हम एनुअल फंक्शन करेंगे और उन्होंने क्या किया कि एक प्राइवेट पार्टी हॉल को बुक किया उन्होंने टिकट के पासिस बनाए और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मेंबर्स को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को और वाइस चांसलर को कि वाइस चांसलर साहेब तो किसी को बुला सकते हैं एनअल फंक्शन में फंक्शन चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था क्या होता है कि बीच में उनकी लड़ाई हो जाती है आपस में मेंबर्स की और ये हेल्ड किया जाता है कि इट वाज अ प्राइवेट पार्टी वो ऐसे कहते हैं कि ये तो प्राइवेट पार्टी है हमें तो अफ्री के लिए कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए अलाइबल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन कोर्ट कहता है कि वहाँ पे जैसे पब्लिक गैदर हो चुकी थी बेशक वो प्राइवेट पार्टी हॉल था लेकिन वहाँ पे पब्लिक गैदर हो चुकी थी तो उसने डिस्टर्ब किया किसको पब्लिक पीस को और पब्लिक पीस खराब हो गया पब्लिक प्लेस पे और फाइटिंग की वजह से तो एफरे अपने आप हो गया और वो लाइबल हो गई सेक्शन के अंदर सेक्शन वन वट इज वन ठीक है अब हम कहते हैं कि डिस्टिंगशन जो है वो एफरे और रॉयट के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है जो एफरे है वो कभी भी प्राइवेट प्लेस पे नहीं हो सकता ठीक है कभी भी प्राइवेट प्लेस पे नहीं हो सकता और जो रॉयट है वो कहीं भी हो सकता है वो तो प्राइवेट पे भी हो सकता है और पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है एक जो एफरे है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा होगा लेकिन जो अनलॉफुल असेंबली है ये रॉइट है वो पाँच या पाँच से ज़्यादा से होगा ठीक है ये हमने मेन डिफरेंस पढ़ लिया जो रॉयटर्स है वो पहले अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं ठीक है क्योंकि पहले तो अनलॉफुल असेंबली बनती है फिर तो फोर्स यूज करते हैं लेकिन जो एफरेयर्स हैं जो एफरे कर रहे हैं उनको कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है बस दो से ज़्यादा इकट्ठे हो और लड़ने लग जाओ एफरे हो जाएगा अगर बात करें एफरे और असॉल्ट में क्या फ़र्क है तो जो एफरे है वो पब्लिक प्लेस में होता है और असल्ट जो है वो कहीं पर भी हो सकता है पब्लिक में भी प्राइवेट में भी एफरे में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए यहाँ पे क्या है एक या एक से ज़्यादा

या फाइन हो सकता है पाँच सौ रुपए का या दोनों चीज हो सकती हैं ठीक है नाउ वन सिक्सटी जो है उसमें पनिशमेंट बताई है एफरे की जो वो कहते हैं कि चार सॉरी एक महीने तक एम्प्रजनमेंट हो सकती है सौ रुपये का फाइन हो सकता है या दोनों हो सकती हैं ठीक है लेकिन फोर्टी सेकेंड लॉ रिपोर्ट क्या कहती है ये कहती है कि इसको बढ़ा देना चाहिए इट मे भी एक्सटेंड सिक्स मंथ इम्प्रेजनमेंट और फ्टर रुपीज फाइव हंड्रेड और बोथ ये तीनों चीज ठीक है थैंक यू ये हमारा था एफरे हमने कंप्लीट कर लिया इसको और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड वी विल डिस्कस इट इन नियर शॉर्ट टाइम थैंक यू